बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार में भी क्योंकि आज मतदान हो रहा है और हाजीपुर ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर भी मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है ताकि कोई धांधली ना हो। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, आपको दिखाते हैं। क्रॉस चेक कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल उठते हैं कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उसमें जो है बुर्के के पीछे वही हैं जो वोट डालने आई थी या कोई और है, तो इस वजह से जो है वो आइडेंटिटी जो है क्रॉस वेरीफाई की जा रही है, उसके बाद में उनको जो वोट डालने के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं जो इस वक्त जो है हमको देखने को मिल रही हैं हाजीपुर के एक जो है पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर जो महिला स्टाफ है उसी को तैनात किया गया है। वो बाकायदा पहचान पत्र देखने के साथ ही में जो भी मतदाता आ रही हैं, जो जो है बुर्का नशी महिलाएं हैं, उनकी पहचान जो है पहले देख रही हैं कि हाँ जो जिसका वोटिंग कार्ड है, जिसका पहचान पत्र है, क्या वो वही महिला है या नहीं है, क्योंकि अक्सर इसको लेकर के राजनीति भी होती रहती है। और अक्सर जो है तमाम विपक्षी पार्टियां या फिर जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तरह से उसको लेकर के सवाल भी खड़े करते रहे हैं। तो उसी जो सवालों को जो दरकिनार करने के लिए कि हाँ जो मतदान हो रहा है वो वही लोग कर रहे हैं जिनका पहचान पत्र है, और वही जो तस्वीरें जो है इस वक्त जो है देखने को मिल रही हैं यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर ये देखिए तमाम जो है महिला जो है मतदाता जो मुस्लिम मतदाता हैं वो पहुँची हुई हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन मत का इस्तेमाल तभी कर रही हैं जब पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हाँ जो महिला मतदाता यहाँ पर आई हैं, जो मुस्लिम समाज से हैं, बुर्का नशी हैं, वो अपने जो है मत का इस्तेमाल जो है वही कर रही हैं जिनका वोटर कार्ड है या जिनका उनका पहचान पत्र है, यानी आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के बाद ही कर रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, हाजीपुर। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले और मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से समय BCCI से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ है, ये आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आप घरों से निकलिए और मेरी तरह वोट करिए, जिसे भी आप चाहते हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए, सर क्या कहेंगे? प्रगति, अपने अधिकार, मानवाधिकार, हमारे खुद के अधिकार, हमें क्या चाहिए, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा हो, उज्जवल कैसे हो, भारत का सशक्तिकरण करने को लेकर, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का आज त्यौहार है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, बॉलीवुड के कई लोग अभी भी वोट करने अलग अलग जगह नहीं पहुंचे हैं। अभी तो 5 बजे तक है, अभी से ही क्यों इस बारे में परेशान होना, आएंगे, सब लोग आएंगे। राजनीति और बॉलीवुड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही। मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देख करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफ कोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ छोड़ के रात को फ्लाइट पकड़ के आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए। और अब देखिए, मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है, और मैं हर मतदाता को ये कहूँगा कि वोट देने जरूर जाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।